हेलो एवरीवन गाइस, आज मार्केट में चांसेस है कि थोड़ा और करेक्शन हो या वॉलीटैलिटी तो ज़रूर है। वॉलीटैलिटी में यूजुअली बिग मनी जो होता है वो सेफ्टी ढूंढता है। सेफ्टी उसको मिलती थी पहले आईटी में, देन फार्मा में कोविड के टाइम। नाउ हमारा जो ओल्ड कन्वेंशनल सेफ्टी जोन था वो था FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगेन आई हैव सीन एंड रेड रिपोर्ट्स दैट मोस्ट ऑफ द FMCG ब्रांड्स आर प्लानिंग टू रेज देयर प्राइसेस। अब जिस ब्रांड में 6-7% और 6-7% इंक्रीज़ की बात हो रही है स्टेपल्स में, बिकॉज ऑफ वेरियस कंसर्न, सप्लाई चेन इशू, कॉस्ट बढ़ गया है, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ गया है, बहुत चीज़ें हैं। अभी फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया है एज वी स्पीक फ्रॉम टुडे। तो कुछ गिने चुने नाम जहाँ बिग मनी फ्लो कर सकता है, वही स्टॉक्स ऐसे अफरा तफरी में अच्छा कर सकते हैं। FMCG मेजर्स एक बार देख लेना चाहिए। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम ऑफ अ स्टॉक इन दिस वीडियो पर से, बिकॉज बहुत ऑब्वियस है कि आप खुद जानते हो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें लगती हैं, जहाँ अंडर वैल्यूएशन होगा, इवन थोड़ा सा भी गैप होगा फिल करने के लिए, वहाँ पैसा आएगा। दूसरी बात यह है कि ऑप्शंस में जो है आजकल बहुत लोग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप में से कोई भी रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ गुड आइडिया। फ्यूचर्स की बात और है, फ्यूचर्स इज़ नॉट अ ज़ीरो सम गेम, लेकिन ऑप्शंस में तो भाई एक पैसा गवाएगा दूसरा पैसा कमाएगा, इट इज़ अ क्लियर ज़ीरो सम गेम। और अभी ये जो सेबी के नए रूल्स आएंगे, अभी भी मुझे लगता नहीं है कि वो रूल इतनी जल्दी पास होएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ाने वाला जो रूल है, आई स्टिल हैव माई डाउट्स। आई डोंट थिंक वो इतना जल्दी इतनी आसानी से तो पास नहीं होगा। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग वैसे भी कारगर नहीं है, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। इस पर आगे मैं और वीडियोज़ बना के भी बात करूँगा।